दोस्तों कैसे आप सभी, आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। आज मैं बात करने वाला हूँ ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर के वेरिएंट्स के बारे में, यानी दोनों वेरिएंट्स में आपको क्या देखने को मिलता है। दोनों का जो प्राइस गैप है वो है 30,000, एंड 30,000 में ऐसा क्या फैसिलिटी है जो ओला S1 में नहीं मिलता है, और क्या हमें ओला S1 को कंसिडर करना चाहिए, ओला S1 प्रो का कंसिडर करना चाहिए, तो इसके बारे में बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को पता है क्या करना है, वही करना है जो हमेशा करते हो, नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको क्लिक करके उसके साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दो, नहीं तो कोई भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोनों गाड़ियों की बात करें, ओला S1 एंड S1 Pro, डिज़ाइन में कोई भी चेंजेस नहीं देखने को मिलती है। जो चेंजेस है उसमें इंटरनली चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं परफॉर्मेंस में, तो परफॉर्मेंस आई नो सब लोग को पता ही होगा, फिर भी ये मैं बता देता हूँ डिफरेंस क्या है। 0 to 40 किलोमीटर का जो एक्सेलरेशन होता है वो S1 में आपको मिलता है 3.6 सेकेंड में, और अगर आप लेते ओला S1 Pro तो उसका जो एक्सेलरेशन है 0 to 40 का वो अंडर 3 सेकेंड है, और 3 सेकेंड है। टॉप स्पीड की बात करें तो ओला S1 में आपको देखने को मिलता है 90 किलोमीटर पर आवर, और वही अगर ओला S1 Pro लेते हैं तो उसका जो टॉप स्पीड है 115 किलोमीटर पर आवर। अब ये डिफरेंस कैसा है वो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, फिर भी अगर आप चाहते तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। राइडिंग मोड्स की बात करें दोनों गाड़ियों में, तो राइडिंग मोड्स में भी डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। ओला S1 में सिर्फ दो मोड है, एक है नॉर्मल एक है स्पोर्ट्स, और अगर आप लेते हैं ओला S1 Pro इसमें 3 मोड मिलते हैं, नॉर्मल स्पोर्ट एंड हाइपर। यस, बिकॉज ऑफ हाइपर इस गाड़ी का जो टॉप एंड है वो बढ़ जाता है। अगर ओला S1 Pro में अगर आप स्पोर्ट्स पे अगर रखते हैं तो वो 90 तक ये भी जाएगी, उसके आगे नहीं जाएगी। हाइपर पे स्विच करते हैं तो ही 115 है, तो यही एक कारण है जिस कारण से ओला S1 एंड S1 Pro में टॉप स्पीड में ये गैप आता है। उसमें भी अगर हाइपर वाला मोड होता तो वो भी 115 जाता, क्योंकि मोटर तो सेम ही है। अब आती है नेक्स्ट चीज, दैट इज बैटरी कैपेसिटी, रेंज एंड चार्जिंग टाइम, जहाँ पे सबसे बड़ा डिफरेंस है। बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो S1 एंड S1 Pro की, तो S1 में आपको देखने को मिलता है 2.98 किलोवाट का बैटरी मिलता है, लिथियम आयन बैटरी। वही आपको S1 Pro में मिलता है 3.97 किलोवाट का बैटरी, तो बैटरी में गैप तो आ गया। बैटरी गैप है तो ऑब्वियसली रेंज में भी आपको गैप देखने को मिलेगा। बेस मॉडल की बात करें या ओला S1 की बात करें तो इसका जो किलोमीटर मिलता है यानी रेंज मिलता है वो मिलता है 121 किलोमीटर, ये रेंज प्रोवाइड करती है। एंड अगर आप देखते हैं ओला S1 Pro तो ये 181 किलोमीटर पर चार्ज देती है, और ये वो मोड है जिस मोड में आपको 40 से 45 का स्पीड आपको मिलता है, लाइक नॉर्मल मोड, और जिसको हम बोलते हैं इको मोड, उसमें अगर चलाते हैं तो इतना आपको रेंज मिलेगा। हालांकि अगर हाइपर और स्पोर्ट मोड पे चलाते तो इसका जो रेंज है वो सीधा आधा हो जाता है, लाइक 121 दिख रहा है तो ये मोस्ट प्रोबेबली 70 तक देगा, और जो प्रो वेरियंट है ओला S1 Pro 181 दिख रहा है वो 90-95 तक दे सकता है, उससे ज़्यादा नहीं देगा। अब आती है चार्जिंग टाइम, मॉडल के हिसाब से बात करें तो अगर ओला S1 की बात करें तो 4 घंटा 48 मिनट में फुल चार्ज हो जाएगी, एंड अगर वही मैं बात करता हूँ ओला S1 Pro में तो वो 6 घंटा 30 मिनट में फुल चार्ज होगी, और अगर आप फास्ट चार्जिंग से चार्ज करते हैं तो 75 किलोमीटर 18 मिनट में कवर कर सकते हैं, लेकिन वो चार्जिंग स्टेशन आने में 1 साल है। और जो ये चार्जिंग हो रही है घर पे वो 75 वॉट के चार्जर से हो रही है। हालांकि मैं इनको एक सजेशन देना चाहूँगा, 140 वॉट का अगर चार्जर दे सकते हैं तो बहुत अच्छा है, बहुत जल्दी चार्ज होगा। 75 वॉट का बहुत कम है, बहुत स्लो चार्ज होगा, इस कारण से चार्जिंग टाइम आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अब आती है टेक्नोलॉजी की बात, तो टेक्नोलॉजी में भी कुछ डिफरेंस है दोनों गाड़ियों में। सबसे बात करें स्टैंडर्ड फीचर तो दोनों गाड़ियों में देखने को मिलता है वो मैं बता देता हूँ। ओला S1 एंड S1 Pro में कीलेस ऑप्शंस मिलता है, प्रॉक्सिमिटी लॉक जिसमें जैसे कि आप थोड़ा आगे जाते हैं या गाड़ी के पास जाते हैं तो गाड़ी ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाती है, रिमोट बूट लॉक मिलता है, कॉल अलर्ट, SMS अलर्ट, इंफोटेनमेंट सिस्टम, बिल्ट इन स्पीकर, साइड स्टैंड अलर्ट, एंटी थेफ्ट अलर्ट, जियो फेंसिंग जिनको नहीं पता, आपने एक एरिया सिलेक्ट करके रखा है उससे बाहर आपकी गाड़ी जाती है तो आपको अलर्ट आएगा आपके मोबाइल पे। वाईफाई है, ब्लूटूथ है, GPS है, ऑनबोर्ड नेविगेशन है, रिवर्स मोड दिया गया है, गेट होम मोड मिलता है, फाइंड माई स्कूटर भी मिलता है, HMI मोड भी मिलता है, विथ साउंड मिलता है,
इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग लॉक मिलता है, HMI ब्राइटनेस एडजस्टर है, वेलकम स्क्रीन देखने को मिलता है, OTA अपडेट मिलेगा, मैनुअल SOS है एंड प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस है। तो ये सारे फीचर्स आपको इसके इंस्ट्रूमेंटेशन साथ ही साथ इसकी टेक्नोलॉजी में देखने को मिलता है। हालांकि ये चीज़ तो कॉमन है दोनों में, उसके अलावा S1 Pro में और क्या एडवांटेज है और क्या फीचर्स है, उसमें तीन चीज़ और ऐड की गई है, दैट इज़ हिल होल सिस्टम, क्रूज कंट्रोल एंड वॉइस असिस्ट टेक्नोलॉजी, जो कि आपको ओला S1 में नहीं मिलती है। डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड फीचर्स की बात करते हैं, वो तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, लाइक फुल्ली LED हेडलाइट, टच स्क्रीन डिस्प्ले, ओला का सेल्फ डेवलप्ड मूव OS सिस्टम देखने को मिलता है, मोनोशॉक फ्रंट में मिलता है, पीछे आपको हॉरिजेंटल माउंटेड रियर मोनोशॉक सस्पेंशन, डिस्क ब्रेक आपको फ्रंट एंड रियर में मिलता है, कॉम्बी ब्रेक सिस्टम दिया गया है, बोथ वेरिएंट में आपको ट्विन पॉड हेडलाइट विथ LED DRS, एप्रॉन माउंटेड फ्रंट इंडिकेटर्स, 36 लीटर का आपको अंडर सीट स्टोरेज स्पेस मिलता है, 2-piece प्लियन ग्रैब रेल्स एंड कर्वी बॉडी पैनल। प्राइसिंग की बात करें तो प्राइसिंग ओला S1 का 99,999, S1 Pro का 129,999, फ्रेम 2 सब्सिडी ऑलरेडी मिलेगा इसमें। इसके अलावा स्टेट सब्सिडी अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग है, जैसे अभी आप चार्ट देख पा रहे हैं, ये सब्सिडीज आपको मिलेगी स्टेट वाइज, बाकी स्टेट्स में जो प्राइस डिसाइडेड है वही है, अगर स्टेट सब्सिडी प्रोवाइड नहीं करता तो वहाँ नहीं मिलेगी। कलर की बात करें टोटल 10 कलर कॉम्बिनेशन है, लेकिन बेस वेरिएंट में ओनली 5 कलर ऑप्शन है और टॉप वेरिएंट में आपको 10 कलर ऑप्शन मिलता है। अब आती है दोनों में से कौन सा ले। हालांकि मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर आपकी रनिंग कम है तो मैं बोलूँगा 1 लाख वाला गाड़ी उठाओ, सबसे बढ़िया है। वॉइस असिस्ट का तक कोई काम नहीं आता, कोई स्पीकर इतना बजाएगा ना, हिल होल्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्रूज कंट्रोल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मेरे हिसाब से ओला S1 जितनी फैसिलिटी है उतना काफ़ी है मेरे हिसाब से। S1 Pro सिर्फ तभी लेना जब आपको रेंज ज़्यादा चाहिए तभी, लेकिन उसमें ये भी कहानी है कि आपको चार्जिंग टाइम भी ज़्यादा है, तो अगर आप चार्जिंग टाइम से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं तो देन S1 Pro ज़रूर लीजिए, अगर चार्जिंग टाइम से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना तो ओला S1 ज़रूर लीजिए। ओला S1 पे ही जाइए, पैसे बचाइए, दिमाग से यूज़ करिए, क्योंकि ये आप सिटी पे ही यूज़ करोगे, बाहर नहीं करोगे। तो ओवरऑल ये कंक्लूजन था, आपका क्या राय है आप ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।